शुभ प्रभात बच्चों, आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में पीए 2 का फर्स्ट चैप्टर और आपके बुक का फोर्थ चैप्टर मजदूर एक अभिशाप पढ़ेंगे। मजदूर एक अभिशाप, इसको पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसके लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। इसके लेखक श्री सुदर्शन जी हैं, जिनका जन्म 1895 ईस्वी में अविभाजित, जिसका विभाजन ना हुआ हो, अविभाजित पंजाब के सियालकोट नगर में पैदा हुए थे। इनकी जो हिंदी कहानी है वह सर्वप्रथम 1920 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा नहीं ली थी। आर्य समाज का सिद्धांतों पर इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए उर्दू दैनिक आर्य गजट का संपादक किया। बाद में मुंबई में रहकर इन्होंने मुंबई फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी। इनकी रचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए, पुष्पलता, सुप्रभात, पनघट, सुदर्शन, सुधा आदि इनकी कहानी श्रृंखला है। परिवर्तन, भाग्यवती, राजकुमार इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अंजना, सिकंदर, भाग्यचक्र ये इनके प्रमुख नाटक है। और इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1967 ईस्वी में मुंबई में ही हो गई थी। अब हम कहानी के बारे में जानते हैं। आपका चैप्टर है मजदूर एक अभिशाप। चैप्टर से पता चल रहा है इसमें मजदूरों को एक अभिशाप कहा गया है। देखिए, ये जो संसार है, इस संसार में मजदूरों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेखक ने कहा है कि इस संसार में मजदूरों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ रईस लोग ही रह सकते हैं, यानी जिसके पास धन है, जो रईस है, पैसे वाला है, सिर्फ वही इस संसार में रह सकता है। उनका कहना यह है कि अगर कोई मजदूर भी आगे चलकर, यानी बाद में भी अगर रईस बन जाता है, तो वह भी मजदूरों के साथ वही व्यवहार करता है जो उसके साथ हुआ रहता है। वह यह भूल जाता है कि वह भी एक कभी मजदूर था। इसमें जो लेखक है वह कहना चाहता है, मजदूर जो है वह भी हमारी तरह इंसान होता है, इसलिए हमें मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी में ऐसा है कि एक मजदूर रहता है, वो बहुत गरीब रहता है। वह रोज पैसा कमाता है, घर जाता है, खाता है। वह एक बार की बात है, वह मजदूरी करके शाम को आता रहता है, तो वह देखता है कि किसी रईस की बारात जाती रहती है, तो उस बारात को देखकर बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि मेरी भी एक दिन ऐसे ही शादी होगी, मेरे बारात में भी सभी नाचेंगे गाएंगे, ऐसा सोचता ही रहता है और चलता जाता है। जो रईस की है वह बारात आती है तो वह सामने रहता है, तो सब उसको कहते हैं हटने के लिए। वह अपने विचारों में मगन रहता है, उनकी बात नहीं सुनता है, नहीं हटता है। तो जो रईस रहता है अपने नौकरों से कहता है कि उसको मार पीट के हटा दे, तो उसके नौकर उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसको फेंक कर चले जाते हैं एक किनारे। तो वह मजदूर बहुत दुखी होता है, कहता है कि इस दुनिया में मजदूरों का कोई काम ही नहीं है। भगवान से कहता है कि अगर इस दुनिया में मजदूरों का कोई काम नहीं है तो हम लोग को पैदा ही क्यों किया, हम लोग को बनाया ही क्यों, जब इस दुनिया में सिर्फ रईस ही रह सकते हैं, तो सीधे सिर्फ रईस को ही रहने देते, हम मजदूरों को नहीं बनाते। फिर यह सोचता है कि मैं भी बहुत अमीर बनूंगा, चाहे जिस प्रकार से जो भी करना पड़े मैं रईस बनूंगा। फिर वह छल, कपट, धोखा, मजदूरी सब करके अमीर बन जाता है, धनवान बन जाता है। अब वह धनवान बन जाता है, तो एक दिन ऐसे ही वह जाता रहता है, उसकी पालकी जाती रहती है, तो उसके पालकी के सामने कुछ मजदूर पड़ जाते हैं, तो वह उन मजदूरों को अपने नौकरों से हटाने के लिए कहता है। तो उसके नौकर उस मजदूरों को कहते हैं हटने के लिए, तो मजदूर कहते हैं कि हमारी बारात जा रही है, हमको चले जाने दीजिए, फिर आप चले जाइएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। तो वह जो मजदूर से बना रईस व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, वह कहता है कि मजदूरों का इस दुनिया में कोई काम नहीं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं, इन मजदूरों को मारकर हटा दो। तो उसके नौकर के उन बारातियों को, मजदूर बारातियों को मारकर हटा देते हैं। फिर वह
कुछ देर वहाँ आराम करता है, वह यह भूल जाता है। इस प्रकार से यहाँ यह कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वह इसमें यह भूल जाता है कि वह भी पहले कभी एक मजदूर था। उसके पास ऐसे नौकर चाकर नहीं थे, ना ही बंगले थे, ना कार थी। तो वह फिर अपने रास्ते में आने वाले उन मजदूरों को क्यों हटाता है? आखिरकार वह भी तो एक मजदूर ही रहता है, लेकिन अब वह धनवान बन जाता है। तो वह यह बिल्कुल भूल जाता है कि मजदूर भी उसकी तरह ही इंसान होते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मजदूर भी एक इंसान होता है, और उसके साथ भी हमें सम्मान के साथ रहना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है। आप सभी इसके एक्सरसाइज को अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। कॉपी में आप सभी केवल शब्दार्थ और इसके क्वेश्चन आंसर को करिएगा जो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।